Hello students, in our previous video I have told you how to multiply a decimal number with a whole number. In this video we have to tell you about how to multiply a decimal number by 10, 100, 1000 etc. किस तरीके से किसी decimal number को हम 10, 100, 1000 या 100 के मल्टीपल से 10 के मल्टीपल से किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप वन, व्हेन ए डेसिमल इज मल्टीप्लाइड बाय 10, द डेसिमल पॉइंट मूव्स वन प्लेस टू द राइट. तब हमारा जो डेसिमल है वो वन प्लेस राइट में मूव कर जाता है. व्हेन ए डेसिमल, जब भी हम किसी डेसिमल नंबर को वेन ए डेसिमल इज मल्टीप्लाइड बाई 10, जब उसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो वन डिजिट राइट साइड मूव कर जाता है. एग्जाम्पल के रूप में देखें, फर्स्ट जैसे एग्जाम्पल है 9.65 मल्टीप्लाइड बाई 10. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यू हैव टू इग्नोर द डेसिमल पॉइंट. सबसे पहले आपको डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करना है और डायरेक्टली आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है एज ए होल नंबर, जैसे आप होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं. देन देयर विल बी 0, 15 जा 5, 16 जा 6 एंड 19 जा 9. नाउ काउंट द डेसिमल डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. तो आफ्टर डिजिट यहाँ पर टू डिजिट हैं, 6 एंड 5. डेसिमल के बाद यहाँ पर टू डिजिट्स हैं, 6 एंड 5. सो यू हैव टू काउंट द डिजिट्स फ्रॉम राइट, टू डिजिट्स फ्रॉम राइट, 0, 5 एंड रिप्लेस अ डेसिमल पॉइंट बिटवीन 96 एंड 50. यहाँ पर आपको टू डिजिट्स के बाद एक डेसिमल रिप्लेस करना है, द आंसर विल बी 96.50. सेकेंड एग्जाम्पल देखें, 0.756 मल्टीप्लाइड बाई 10. 0.756 को हमें 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल को इग्नोर करते हुए इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे. 0 यहाँ पर लिखा हमने, 16 जा 6, 15 जा 5, 17 जा 7. यू विल सी दैट देयर आर 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, 7, 5, 6. सो यू हैव टू काउंट 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट. आपको राइट से 3 डिजिट्स काउंट करने हैं, 0, 6, 5 एंड रिप्लेस अ डेसिमल पॉइंट बिटवीन 7 एंड 5. आफ्टर 3 डिजिट यू हैव टू रिप्लेस अ डेसिमल पॉइंट. सेकेंड स्टेप में, व्हेन ए डेसिमल इज मल्टीप्लाइड बाई 100, अगर हमें किसी डेसिमल नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, द डेसिमल पॉइंट मूव्स टू प्लेस टू द राइट. तब हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो टू प्लेस राइट साइड मूव करता है, टू डिजिट्स राइट साइड मूव कर जाता है. एग्जांपल के रूप में देखें, 45.126 मल्टीप्लाइड बाई 100. 45.126 मल्टीप्लाइड बाई 100 हम डेसिमल को इग्नोर करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे. देयर आर टू जीरोज, सो वी राइट टू जीरोज. 16 जा 6, 12 जा 2, 11 जा 1, 15 जा 5, 14 जा 4. यू विल सी दैट देयर आर 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स हैं, 1, 2 एंड 6. सो यू हैव टू यूज डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट. आपको राइट से 3 डिजिट्स काउंट करके उसके बाद डेसिमल यूज करना है. सो 3 डिजिट्स, 1, 2, 3, उसके बाद यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट यूज कर देंगे. द आंसर विल बी 4512.600. सेकेंड एग्जाम्पल देखें हम, 3.275 मल्टीप्लाइड बाई 100. वी हैव टू मल्टीप्लाई 3275 मल्टीप्लाइड बाई 100. डेसिमल हम इग्नोर कर देते हैं और इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 327500. नाउ यू विल सी दैट आफ्टर डेसिमल देयर आर 3 डिजिट्स. क्या आप देखेंगे कि यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, 2, 7 एंड 5. नाउ काउंट 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट. आप राइट से 3 डिजिट काउंट करिए, 1, 2, 3 एंड रिप्लेस अ डेसिमल पॉइंट. स्टेप 3, व्हेन ए डेसिमल इज मल्टीप्लाइड बाई 1000. जब हम किसी डेसिमल को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, द डेसिमल पॉइंट मूव्स 3 प्लेस टू द राइट. तब आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 प्लेस
मूव्स थ्री प्लेस टू द राइट, वो आपका थ्री डिजिट राइट साइड मूव कर जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें 0.1746 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 0.1746 मल्टीप्लाइड बाई 1000। सो देयर विल बी, वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर्स इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हुए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो द आंसर विल बी, आपका आंसर विल बी 1746000, बिकॉज देयर आर थ्री जीरोज, सो वी राइट 30, 1666, 1404, 1707, 1111। Now students, you will see that there are four digits after decimal. आप देखेंगे कि यहाँ पर after decimal four digits हैं. So we have to count four digits from right. यहाँ से हमें right side से four digits count करने हैं, 1, 2, 3, 4, and replace a decimal point. यहाँ पर डेसिमल पॉइंट, अब आप चाहें तो यहाँ पर ये जीरो हटा सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया 174.6 विल बी द आंसर। सेकंड एग्जांपल 1.2764 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 1.2764 मल्टीप्लाइड बाय 1000, इफ़ वी मल्टीप्लाई देम देन वी गेट 1,2,7,6,4,000, because there are three zeros, we write 30. Now we multiply 1 4 4, 1 6 6, 1 7 7, 1 2 2, and 1 1 1। हमें डेसिमल को यहाँ पर माइंड में नहीं रखना है, सिर्फ हमें यह देखना है कि आफ्टर डेसिमल अब यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, हम राइट साइड से फोर डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4, एंड रिप्लेस अ डेसिमल पॉइंट बिटवीन 6 and 4। सो द आंसर विल बी 1276.4. Okay.